हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है अभी, ऑलमोस्ट टाइम 6 बज रहे होंगे। तो उठते ही मैंने सबसे पहले ब्रश वगैरह किया। अभी मैं जा रहा हूँ फुटबॉल खेलने के लिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है भाई। बाहर का खाना हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बाहर का तो खाना ही पड़ता है बाहर जाओ तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। और अभी मैं जा रहा हूँ फुटबॉल खेलने के लिए, उसके बाद थोड़ा अखाड़ा वगैरह करूंगा, तो मिलता हूँ आपको सीधा ग्राउंड में जाके। अभी बाय द वे आपको बता दूं, आज करवा चौथ है, तो मम्मी वैसे सुबह सुबह यहाँ पे अभी चूड़ियां देख रहे हैं डालने के लिए। मम्मा वो खा लिया हमने, वो सर्गी वगैरह जो होती है। तो मैं हो गया लेट, मैं जा रहा हूँ अब खेलने के लिए, मिलता हूँ ग्राउंड में आपके साथ। भाई मैं तो पहुंच गया हूँ ग्राउंड में। जब घर से निकला था तब अंधेरा था और अभी उजाला भी हो गया। मतलब 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर का रास्ता मेरे घर से यहाँ पे स्टेडियम तक का, और 3 किलोमीटर के अंदर अंदर मतलब 10 मिनट लगते होंगे मुझे यहाँ पे पहुंचते। पर 10 मिनट के अंदर ही मतलब इतना डिफरेंस पड़ जाता है कि घर से निकला था तो अंधेरा था, अभी आए हो तो थोड़ी रोशनी हो गई है और प्लेयर्स आ चुके हैं। क्योंकि प्लेयर्स जो आते हैं ना, ये ना इधर बाजार से आते हैं, स्टेडियम के पास में बिल्कुल, और मैं मुझे आना था दूर से, 3.5 किलोमीटर चल के तो नहीं आता, मैं अभी स्कूटी बाइक पे ही आता हूँ, लेकिन ठंड होती है काफी तो देर देर आता हूँ मैं ऐसे। अभी मैं आया हूँ अखाड़े में, ऑलमोस्ट 6:30 बजे हमारी गेम स्टार्ट हो गई थी और अभी बज रहे हैं 8:30। 2 घंटे फुटबॉल खेलने के बाद अभी मैं करूँगा थोड़ी एक्सरसाइज। यहाँ पे मतलब जिम वाला इक्विपमेंट्स तो नहीं है, बट ये ऐसे इस तरह के डंबल चेस्ट के लिए, ये सब इस तरह के इक्विपमेंट्स है यहाँ पे, तो इन्हीं के साथ एक्सरसाइज करता हूँ मैं यहाँ पे, तो फिर जाता हूँ घर इसके बाद। आधा घंटा करूँगा, ज़्यादा भी नहीं करूँगा, आधा घंटा करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटे फुटबॉल खेलने के बाद हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। थोड़ी देर करते हैं अखाड़ा, फिर चलते हैं घर पे। सुबह 6 बजे आया था मैं घर से, अभी 9 बजे है, अब जा रहा हूँ मैं घर में एक्सरसाइज करके फुटबॉल खेल के। 3 घंटे खेला मैंने आज, 3 घंटे एक्सरसाइज की। 10:30 हो गए हैं और अभी तक नहाया नहीं हूँ मैं, क्योंकि घर आते ही मैं चला गया था वीडियो एडिट करने के लिए अपनी रात। ऐसे तो मैं रात को एडिट करके सोता हूँ, बट रात को मैं जल्दी सो गया था क्योंकि मुझे हो रही थी सिर दर्द भी नहीं हो रही थी, वैसे नींद लगी थी मुझे काफी। तो मैं रात को 9 बजे सो गया था, तो घर आया 9 बजे मैं खेल के अखाड़ा करके। बट दीदी तैयार हो रहे थे इस टाइम, तो शोर डालते हैं काफी, मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये कहाँ है वो कहाँ है, तो मैं इसलिए वीडियो एडिट करते टाइम लगे मुझे। अभी 10:30 हो चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। सुबह कितने बजे उठा था मैं, सुबह 5:30 बजे का उठा हूँ सुबह का, और अब 10:30 बजे नहाने जा रहा हूँ मैं। तो अभी जाता हूँ नहाने के लिए, वीडियो अभी अपलोड किया वैसे मैंने, वीडियो को देखो और लाइक 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 जरूर किया करो वीडियो को यार। स्कूलिंग आज नहीं। क्यों? आज छुट्टी थी, 2 दिन छुट्टी है मुझे। क्यों? एक दिन पेपर, एक दिन छुट्टी, बीच बीच में छुट्टी है। कितने पेपर आते हैं? मेरा एक ही पेपर आता है। एक ही पेपर बस, सारे हो गए बाकी? रेगुलर स्कूल 4 पेपर थे, एक रहता है। वैसे आज खाने में पूड़ियाँ, परोंठी, मटर पनीर, मशरूम, दही और वो सेमियाँ थी, फेमियाँ जो बर्थ में खाते हैं करवा चौथ के बर्थ में, वो भी इतना सब कुछ है। वैसे आज आपने खाना खा लिया है? मैंने नहीं खाया, मुझे भी खिला दे। बूजी से मांग ले, मुझे भी दे दो। ये ऑलरेडी तैयार होता खाने के लिए, जब मर्जी खिला दो इसको। मैं खाना नहीं खाया इसलिए बोल रहा हूँ पहली बार। खाना खा के आया सुबह 12 बजे, तूने खाना नहीं खाया सुबह से? अच्छा, ये वाली सेमिया नहीं, सुबह का 12 बजे तो सुबह का खाना ही खाया हुआ नहीं। मैं मान ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता सुबह से खाना नहीं खाया। मम्मा को पूछ लो, अगर उन्होंने बोल दिया हाँ नहीं देना, अगर बोल दिया उन्होंने नहीं तो तब बस खा ले। मम्मी डाल दो उसको भी। मैं तो हैरी खाना खा रहे थे और साथ में देख रहे थे यूट्यूब में वीडियोस, तो हमें तो पता नहीं चला, लेकिन जब खाना खत्म हुआ तो मैं किचन में आया प्लेट छोड़ने के लिए, तो किचन में आके देखा भाई जल गई ये। मम्मी को बुला के आ जल्दी, धुआं धुआं हो गया सारा, सड़ गई पूरी जो रखी थी हमने। बंद करना बस उसको, बंद मैंने कर दिया, कुछ नहीं करना। और भूलने की बीमारी हो गया आपको, अब कहाँ जा रहा है? टिशु मैडम तेरी वीडियो बना रही है, तू टिशु बनने जा रहा है? मैडम इसकी वीडियो बना रही है यहाँ पे अभी, और ये टिशु बनने जा रहा है, टिशु बनने जा रहा है। क्या बच्चा, ये खुद पढ़ लेता है। अभी सुबह इसकी 2 वीडियो बनाई है इंस्टाग्राम पे, रील बनाई है इसकी, और अब फिर से एक और बना रही है। वो बनाना है कवर और शला। किसका? मेरा। शक्ल देख अपनी मार जा रही है। अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी को लेने के लिए, मम्मी गए थे सतवा सुनने के लिए, दोपहर को गए थे 2 बजे के साथ, तो जहाँ वो सुनने गए वो थोड़ी सी दूर है हमारे घर से, तो जाता हूँ उनको ले आता हूँ यार अभी।
मम्मी को सतबा से लाने के बाद मैं आया था घर में। यार तेरी कितनी वीडियो बना दी थी, सुबह भी दो वीडियो बनाई तेरी मैंने। खैर कितनी वीडियो बनानी है इसकी, सुबह दो बनाई है। यूट्यूब पे कहा वायरल हो तब भी तो वायरल हो रहे। यार मैं थक गया उसकी वीडियो बना के। तो शाम हो गई है, सुबह से मैं घर बैठा हुआ था। अभी मैं जा रहा हूँ बाजार थोड़े से काम के लिए। मम्मी का सूट लाना है, दर्जी को दिया हुआ था, वो लूंगा और थोड़ा घूमूंगा भी, देखता हूँ बाजार में क्या माहौल है। आज करवा चौथ आपको पता ही है कि आज तो रश भी काफी होने वाला बाजार में, तो चलते हैं देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे। बाजार में चले तो जाता हूँ लेकिन वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ होती है ना कि आप पूछो ही मत। हमारे यहाँ पे ना मम्मी लोग करवा चौथ वाले दिन कुछ इस तरह से बाहर करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ दोबारा कल आपको एक नए ब्लॉग में। और आज का दिन खत्म, वीडियो खत्म, ब्लॉग खत्म। बाय बाय।